सो आज के इस लेक्चर से हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक बैटरी जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करती है और एक रेजिस्टेंस जो एनर्जी को डिसिपेट करता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी अपने टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है और वो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल में आता है वो उसके साथ जितने भी सर्किट एलिमेंट्स लगे होते हैं उन सभी में वो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अब हम एक अगली डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जो एनर्जी स्टोर करेगी। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करने जा रहे हैं। आगे हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर सीखेंगे। सो हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं, एक वो जो एनर्जी डिसिपेट करेंगी और एक वो जो एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हमें यदि एनर्जी स्टोर करना है तो या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेंगे या तो हम मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेंगे। सो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। सो जब हम कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कैपेसिटर इज डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज एंड एनर्जी। तो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम ही क्या है, कैपेसिटर। एंड कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा, फिजिकल ऑब्जेक्ट, उस रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस पढ़ा जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, इसी तरीके से कैपेसिटर है चार्ज और एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। सो बेसिकली कैपेसिटेंस तीन तरीके के हम लेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक प्लेट हो गई और एक दूसरी प्लेट यहाँ पैरेलल प्लेट और बीच में एक इंसुलेटर भरा हुआ डाइलेटिक मीडियम जिसको हम लोग सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलल प्लेट है, एक दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक को मैंने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक को बैटरी के निगेटिव जोड़ दिया उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। सो यदि हमें कैपेसिटर बनाना होगा तो हमें दो कंडक्टर चाहिए, एक कंडक्टर में हम प्लस चार्ज देंगे और एक कंडक्टर में हम माइनस चार्ज देंगे। इस तरीके से एक में जैसे हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसे माइनस क्यू, स्फेरिकल हो गया, और ये हमने सिलेंड्रिकल ले लिया, बाहर वाले माइनस क्यू दे दिया और अंदर वाले सिलेंडर पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। सो अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया और बाहर वाले पर निगेटिव चार्ज दे दिया। इस तरीके से हम कैपेसिटर डिज़ाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर जैसे आप फैन लेते हैं तो फैन में लगा होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर लगाई रहता है। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है और ये इजी पोर्शन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने इलेक्ट्रिक करंट में सीखी थी वो आ जाएंगी। सो कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि हम जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं या हम किसी कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। सो उस कंडक्टर की अपनी एक एबिलिटी होगी उस चार्ज को स्टोर करने की या उस एनर्जी को स्टोर करने की। सो किसी कंडक्टर की चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसी एबिलिटी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। सो लेट अस डिफाइन कैपेसिटेंस। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडक्टर कंसीडर करते हैं। सो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी जनरल शेप का एक कंडक्टर ले लिया। सो फॉर ए कंडक्टर, हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर ए कंडक्टर, सपोज़ ये हमारा कोई भी जनरल शेप का एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर मैं प्लस चार्ज दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ लिए होंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे तो हमने पढ़ लिया है। ये कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर मैंने चार्ज कितना दे दिया, Q। Q चार्ज देने पर इस पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, B डेवलप हो गया। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन। सो फॉर ए कंडक्टर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज आप जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, चार्ज आप डबल कर देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिए, इसका पोटेंशियल भी मान लिए, तो आप बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर का या इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। सो यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ सो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा देंगे तो क्यू इज़ इक्वल टू सी बी। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये जो सी आ गया, जो कॉन्स्टेंट सी आ गया, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। सो यही क्या कहलाता है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाता है। और जो सी है
उसका यूनिट एसआई में फैराड होता है. सो यूनिट इज फैराड. सो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड. सो वन फैराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट. सो यदि आप इसका यूनिट लेंगे तो ये इसकी कूलम और बीका कितना है वोल्ट. सो आप यदि आप इसका सी का यूनिट लिखना चाहते हैं सो कितना हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे फैराड लिखेंगे. सो दिस इज़ फैराड. तो आप ऐसे बता सकते हैं. सो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को डिफाइन क्या कैसे कर रहे हैं? चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल से. हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर हमने चार्ज क्यू दे दिया, उस कंडक्टर पर वोल्टेज कितना आ गया वी आ गया. सो इस कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस हो गया यदि हमें बताना है तो क्यू बाई वी के इक्वल होगा. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइड बाई पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर. ये केवल ऑपरेशनली डिफाइन करने का तरीका है. जो कैपेसिटेंस है वो उसकी कैपेसिटी है. कैपेसिटी इस बात पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी कि आपने उसको चार्ज दिया है नहीं दिया. लेकिन यदि आप चार्ज दे करके उसका पोटेंशियल मेजर कर लें तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बता सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई कंटेनर है, सपोज आपके पास एक ग्लास है और आपको पता नहीं कि ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, तो आप उसमें वाटर भर दीजिए, उस वाटर को निकाल कर किसी मेजरिंग डिवाइस में डाल दीजिए जो उसके वॉल्यूम मेजर कर ले. इस तरीके से आप बता सकते हैं. सो ग्लास का जो वॉल्यूम है वो इस बात पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि उसके अंदर वाटर है या नहीं है. लेकिन यदि आपको वॉल्यूम मेजर करना है तो आप मेजर्ड क्वांटिटी वाटर की फिल करके पता लगा सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है. इसी तरीके से कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो ना तो उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा ना उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा. लेकिन यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई भी जनरल शेप का कंडक्टर है, आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है, और यदि मेरे को उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी. सो ऐसे मैं डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. उस कंडक्टर का चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होगा. ये उसकी ऑपरेशनल डिफिनेशन हो गई. अब हम ये भी लिखेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल यूज टू डिफाइन इट. इसको डिफाइन करने के लिए आपने जो लिया है उस पर डिपेंड नहीं करे. ये उसका ऑपरेशनल डिफिनेशन है केवल. दूसरा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर. शेप का मतलब ज्योमेट्री, शेप ऑफ द कंडक्टर एंड सराउंडिंग मीडियम. जो उसका मीडियम सराउंड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा. यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब आप ये बता सकते हैं कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज आर एनर्जी. आप यदि आपको विजुलाइज करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं. कुछ राइटर ये बताते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, कुछ राइटर ये लिखते हैं कि कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है, कुछ दोनों लिख देते हैं कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी. हमें ये विजुलाइज करना है कि हम यदि किसी कंडक्टर में चार्ज देना चाहते हैं तो आप किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते हैं. जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आप उसको चार्जिंग स्टार्ट कीजिए, चार्ज देते रहे, कुछ टाइम के बाद चार्ज लीक करके ग्राउंड में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि हम उसका बोलते हैं कि उसके सराउंडिंग मीडियम का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है, अब उससे अधिक वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता है. सो चार्ज ऑन ए कंडक्टर
चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज 2 माइक्रो कूलम एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 10 वोल्ट फाइंड कैपेसिटेंस। सो आपको क्या करना है, उसका कैपेसिटेंस बताना है। सो आसानी से बता पाएंगे आप, चार्ज किसकी इक्वल है 2 माइक्रोफेरेड, आप माइक्रोफेरेड ही रहने दीजिए, है ना। सो चार्ज जो है माइक्रोफेरेड नहीं, चार्ज माइक्रो कूलाम है, और पोटेंशियल किसकी इक्वल दिया है, 10 वोल्ट की इक्वल दिया है। सो हमने सी क्या पढ़ा था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो क्यू कितना है, 2/10। सो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 0.2 माइक्रो फेरेड। सो इस तरीके से बता सकते हैं। सो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस को हम किस में मेजर करेंगे, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो तो फेरेड होगा, एसआई सिस्टम में। हम पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स एसआई सिस्टम में पढ़ रहे हैं, बुक्स में आपको बीच बीच में और कई सिस्टम में लिखा मिल जाएगा, बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फार्मूले जो हैं अलग अलग सिस्टम में अलग होते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट 10+2 में केवल और केवल एसआई सिस्टम है। इंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ इक्वेशन जो है पढ़ लीजिए सीजीएस सिस्टम में या गॉसियन सिस्टम में, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। पढ़ने के पहले हमें डिसाइड करते हैं कि हमें किस सिस्टम में इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है, एंड 10+2 में बाई डिफ़ॉल्ट कुछ बोला जाए नहीं बोला जाए वो एसआई सिस्टम में ही। आप सीजीएस सिस्टम लेंगे या आप गॉसियन सिस्टम लेंगे तो आपके फार्मूले ही बदल जाएंगे, इसलिए हम केवल और केवल एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं, जब लिखा हो या नहीं लिखा हो। अब मान लो आपको माइक्रोफेरेड लिखना है, सो 1 माइक्रोफेरेड जो है वो 10^-6 फेरेड के इक्वल होगा, 1 नैनो फेरेड जो है वो 10^-9 फेरेड के इक्वल होगा, 1 पीको फेरेड 10^-12 फेरेड के इक्वल होगा। इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। मिली फेरेड मान लो लिखना है आपको, तो 1 मिली फेरेड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10^-3 फेरेड के इक्वल होगा। सो फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आप जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, चार्ज जैसे दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये तो कैपेसिटेंस हो गया। अब हमें कैपेसिटेंस की जगह हमें तो डिवाइस पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है। सो अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ कैपेसिटर, एकदम आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो कैपेसिटर, सो कैपेसिटर क्या हो गया कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ये मैंने दो कंडक्टर ले लिया, दीज आर टू कंडक्टर्स, और एक कंडक्टर पर मैंने प्लस चार्ज दे दिया और एक कंडक्टर पर माइनस चार्ज दे दिया। सो ये जो अरेंजमेंट बना, ये जो अरेंजमेंट बन गया दो कंडक्टर का, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कैपेसिटर। अब मान लेते हैं कि दो प्लेट्स ले लीजिए, ये दोनों प्लेट ही ले लिया मैंने, उसका क्रॉस वो इस तरह का व्यू बना दिया, फ्रंट व्यू बना दिया जिससे आपको दिखने, और एक प्लेट पर मैंने क्या दे दिया, प्लस चार्ज, और दूसरे पर माइनस चार्ज दे दिया। यदि मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों के बीच में ही क्या रहेगी, कन्फाइंड रहेगी। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसकी प्लेट्स क्या हैं, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैंने आपको शुरू में डायग्राम बताया था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर ले लीजिए, ये मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया ऐसे, सो ये सिलेंडर है, आउटर ले लिया, और यहीं पर हम इसका जो है इसका इधर बना लेते हैं अंदर, ये इसको ऐसे ही बना लिया मैंने, है ना। सो इधर का ये रेडियस मान लेता हूँ ए, और इसका रेडियस मान लेता हूँ मैं बी, इसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था वहाँ पर। तो ये जो कैपेसिटर बन गया वो सिलिंड्रिकल बन गया, अंदर वाले पर चार्ज प्लस क्यू दे दीजिए और बाहर वाले पर चार्ज माइनस क्यू दे दीजिए। सो ये कहलाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं। सो ये अंदर का मान लिया मैंने और ये क्या मान लिया, बाहर का, ये स्फीयर। बीच में आप यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर सकते हैं, नहीं है तो एयर या वैक्यूम ले लेंगे, लेकिन बीच में कोई ना कोई मीडियम रहता ही रहता है। और अंदर वाले पर चार्ज मैंने प्लस क्यू मान लिया, बाहर वाले पर चार्ज माइनस क्यू मान लिया। सो इस तरह का जो कैपेसिटर है
वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच अपोजिट चार्जेज आर गिवन। एक कंडक्टर पर प्लस चार्ज देंगे और एक कंडक्टर पर माइनस चार्ज देंगे, तो इस तरीके से जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो प्लस और माइनस चार्ज देने से क्या है कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और उस रीजन में आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और कंडक्टर के सरफेस पर आप क्या कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं। यदि आपको चार्ज स्टोर करना है तो कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा, और एनर्जी स्टोर करना है तो दोनों सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम इसे बता सकते हैं कि एक कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, एक कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच अपोजिट चार्जेज आर गिवन। बहुत जगह इक्वल लिखा रहा है तो मैं लिख देता हूँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर गिवन। न्यूमेरिकल लगाते समय इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर गिवन, न्यूमेरिकल लगाते समय मैं आपको अलग अलग चार्ज दे के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हम कैपेसिटेंस जिससे निकालेंगे वो तो केवल प्लस और माइनस की अपोजिट चार्जेज वाले निकलेगा। सो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर गिवन। तो कोई भी तरह का हो सकता है, हमने एक जनरल शेप का कंडक्टर लिया, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया, ये हमारा एक कंडक्टर हो गया और ये एक दूसरा कंडक्टर हो गया, यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज दे दिया और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। इन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेता हूँ, मैं वी मान लेता हूँ। सो वी क्या चीज़ हो गया, वी हो गया वी प्लस माइनस वी माइनस, मतलब पॉजिटिव कंडक्टर का पोटेंशियल और निगेटिव कंडक्टर का पोटेंशियल। तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर में केवल पोटेंशियल था और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्यू चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, टोटल नहीं, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स, आप केवल पॉजिटिव प्लेट वन ऑफ द प्लेट्स दोनों में से किसी भी चार्ज का। सो क्यू इज नॉट द टोटल चार्ज, क्यू इज नॉट द टोटल चार्ज, पहली बात तो समझना है ना। जो हमने कैपेसिटर बनाया है उनमें कैपेसिटर में किसी एक कंडक्टर पर जो चार्ज है, अभी हम आगे जब अलग अलग चार्जेस देंगे तो जो उन दोनों सरफेस के बीच में है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो शेयर होगा केवल और केवल हम उसी को लेंगे। यदि एक में प्लस क्यू आया है तो एक में माइनस क्यू आएगा, तो मैं आपको वहाँ पर निकालना सिखाऊंगा। अभी हम एक जनरल डिफिनेशन ले रहे हैं। सो बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड क्यू इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मतलब इट इज़ द चार्ज ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स, जनरली हम इसे पॉजिटिव प्लेट कर लेते हैं। सो हम कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जैसे हमने कंडक्टर का डिफाइन किया था उसी तरीके से हम कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन का डिफाइन कर सकते हैं। सो ये आ गया सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, क्यू बाई वी। क्यू का यूनिट कितना होगा, कूलाम पर वोल्ट, मीन कूलाम पर वोल्ट क्या कहलाएगा, फैराड कहलाएगा। सो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैपेसिटर इज गिवन 4 माइक्रो कूलाम चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसका कुछ दिया हुआ है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स लिख देता हूँ, इट्स प्लेट्स इज 10 वोल्ट, फाइंड कैपेसिटेंस। तो हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है। सो आप आराम से बता पाएंगे इसका कैपेसिटेंस, सॉल्व करना है यदि आपको
तो सी की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 4 माइक्रोफेरड, और पोटेंशियल किसके इक्वल दिया है, 10 वोल्ट के। से आप जो है यहाँ पर ये चार्ज दिया हुआ है, तो क्यू इज इक्वल टू, और कैपेसिटर इज गिवन 4 माइक्रो कूलम चार्ज, गड़बड़ हो गया, 4 माइक्रो कूलम चार्ज। सो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर। सो क्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दिया है, क्यू इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, एंड पोटेंशियल किसके इक्वल दिया है, 10 वोल्ट के। सो सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई वी, सो 4/10, सो इट इज 0.4 फैराड। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस बता सकते हैं। तो कैपेसिटर इज गिवन 4 माइक्रो कूलम चार्ज, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 10 वोल्ट, फाइंड कैपेसिटेंस। सो चार्ज इज गिवन, क्यू इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, एंड पोटेंशियल इज 10। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सो क्यू है तो 4/10, और यहाँ पर जो है मैं कितना लिख दिया इसको, 0.4 हो गया, और माइक्रो कूलम था, सो माइक्रो कूलम है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइक्रो फैराड के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बार हमें सिंबल बना के देता है। सो कैपेसिटर के सिंबल के लिए ये हम दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, चाहे वो जिस भी तरह का कैपेसिटर हो, है ना। ये कुछ लोग जैसे एक को कर्व कर देते हैं, दो तरह के सिंबल चलते हैं, और ये बैटरी बना लिया, ये मैंने बैटरी बना दिया। सो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट लिख लिया, और ये 2 माइक्रो फैराड लिख दिया। अब मेरे को चार्ज बताना है, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो जो कैपेसिटर है वो उसका चार्ज बताना है। सो बहुत आसानी से बता पाएंगे हम, यहाँ पर आप देखिए सी किसके इक्वल दिया है, 2 माइक्रोफेरड के, और बी किसके इक्वल दिया है, 10 वोल्ट के। सो सी का फार्मूला क्या पढ़ा था मैंने, क्यू बाई वी, सो क्यू इज इक्वल टू सी बी। सो यहाँ क्यू, सी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 10, सो किसके इक्वल हो गया, 20 माइक्रो कूलम। सो देयरफॉर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 20 माइक्रो कूलम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे जुड़ा है, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, तो यहाँ पर चार्ज प्लस आएगा, और ये निगेटिव से जुड़ा है, तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, माइनस, और यहाँ चार्ज लिख दिया क्यू। तो एक प्लेट क्यू दोनों के बीच में लिख दिया, मतलब इस वाली प्लेट का कितना है, प्लस क्यू, और इस वाली प्लेट का कितना है, माइनस क्यू। सो ये जो मेरा कैपेसिटर था ऐसे आया इस तरीके से। सो इसमें तो मैंने, मेरे पास कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, और यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। यहाँ कितना है, 20 माइक्रो कूलम प्लस का, और यहाँ कितना है, 20 माइक्रो कूलम माइनस का। तो ये तो प्लस का चार्ज हो गया, और ये माइनस का चार्ज हो गया, इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो इक्वल और अपोजिट, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है केवल इन्हीं अपोजिट फेसेस पर होगा। सो इस तरीके से हम एक जनरल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप चार्ज देना स्टार्ट करिए, यदि उस कंडक्टर को आप चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ते 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 एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जब उससे अधिक पोटेंशियल नहीं दे सकते हैं आप। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस कंडक्टर का जो सराउंडिंग मीडियम है वो अब नॉन कंडक्टिंग नहीं रहेगा, और चार्ज लीक करके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए हर कंडक्टर की एक पोटेंशियल की अल्टीमेट लिमिट होगी, जिसको आगे चल करके हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटर, इस तरीके से कोई टर्म यूज़ करेंगे। अभी हम बहुत टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना चाहते हैं। सो हमारे पास यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम चार्ज देना चाहते हैं, तो चार्ज की अपनी एक लिमिट होगी। तो कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है, या किसी टाइम पर कितना चार्ज आने पर कितना पोटेंशियल आएगा, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हम एक जो है फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किए, कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस वॉज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को हम एसआई सिस्टम में कूलाम में मेजर कर रहे हैं, और पोटेंशियल को हम किस में मेजर कर रहे हैं, वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। सो जो कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी के इक्वल होगा। अब हम अपने कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें कंडक्टर लेंगे हम दो, और एक में हम चार्ज देंगे प्लस, और एक में चार्ज देंगे माइनस। तो जब जब हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर को एक दूसरे के नज़दीक ला के रखेंगे, उनके बीच का जो मीडियम है या तो वैक्यूम होगा या तो एयर होगा,
या तो हम उसमें कोई जो है इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देंगे जिसको आगे चल के डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, तो उनके बीच का कुछ भी मीडियम हो सकता है। सो इस तरीके का हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा वो कहलाता है कैपेसिटर। एंड ज्योमेट्रिकली हमारे सिलेबस में केवल तीन तरह के कैपेसिटर हैं, जैसे एक पैरेलल प्लेट और एक पैरेलल प्लेट हो गई, तो यदि हम इस तरह से लेते हैं तो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा सिलेंडर ले लीजिए दो, एक इनर सिलेंडर एक आउटर सिलेंडर, उनके बीच के जो स्पेस है उसको आप किसी डायलेक्ट्रिक से फिल कर दीजिए तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा। इसी तरीके से दो स्फीयर्स ले लीजिए, एक स्फीयर अंदर रख लीजिए और एक स्फीयर बाहर रख लीजिए, एक हॉलो स्फीयर रख लीजिए उसके अंदर एक दूसरा हॉलो या सॉलिड स्फीयर रख दीजिए और दोनों के बीच की स्पेस को किसी डायलेक्ट्रिक से फिल कर दीजिए, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, फिर कैपेसिटेंस को कंबाइन करेंगे। भाई एक सिंगल कैपेसिटर तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं एक कैपेसिटर की लिमिट है केवल 2 माइक्रो कूलम चार्ज होल्ड करने की और आपको 200 माइक्रो कूलम चाहिए, तो आपको कई कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। आपके पास कैपेसिटर 10 माइक्रो कूलम के अवेलेबल है लेकिन सर्किट में आपको तो केवल 2 माइक्रो कूलम यूज करना है या 4, तो आप इस तरीके से कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके डिजायर्ड कैपेसिटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। सो जनरल पढ़ने के बाद हम सबसे पहले कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ही आगे चल कर पढ़ेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा देता हूँ। सो हमें सबसे पहले पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए क्या चीज़ है। जैसे हमने दो प्लेट्स मान लिया, ये पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है और प्लेट का एरिया कितना है ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर प्लस चार्ज देता हूँ और इस पर माइनस चार्ज देता हूँ। सो अंदर जो है प्लस चार्ज आ गया, सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म हो जाएगी, माइनस में ख़त्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने फील्ड लाइंस बनाना सीखा होगा, सो इस तरीके से इनमें प्लस और माइनस जो है ऐसे बना लिया। ये जो लास्ट वाला है ये फ्रिंजिंग होती है यहाँ पर, ये आगे चल के समझेंगे हम, इस फ्रिंजिंग को हम बता सकते हैं ज़रूर होती है लेकिन हम प्रैक्टिकल डिराइव करते समय इस वाले सेक्शन को लेंगे ही नहीं, इसीलिए हम इनफाइनाइट प्लेट लेंगे। इनफाइनाइट प्लेट का मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम ले लेंगे, एरिया बड़ी ले लेंगे, सो हम ये किनारे वाले छोड़ देंगे और हम केवल उस एरिया को लेंगे जहाँ पर हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर तो चार्ज कौन सा लिए हैं, प्लस, इनर सरफेस पर इधर की तरफ प्लस चार्ज है सो पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है, और इधर की तरफ कौन सा चार्ज है, माइनस, सो ये जो है हमारे पास माइनस चार्ज है, तो इधर की तरफ इस प्लेट में माइनस चार्ज आ गया, इधर की तरफ प्लस चार्ज आ गया। ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है हमारे पास, ऐसे ये प्लेट्स हैं और अंदर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नहीं है, इक्वल और अपोजिट देंगे तो केवल अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर ये इधर की तरफ क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सो इसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी और निगेटिव, सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की तरफ होगी और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगी, सो दो तरह की फील्ड हो गई, ई माइनस और ई प्लस। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो की वजह से है, एक तो पॉजिटिव प्लेट प्लस दोनों की डायरेक्शन और एक निगेटिव प्लेट की वजह से है। निगेटिव प्लेट का जो चार्ज है उसकी अपनी फील्ड होगी, जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है उसकी अपनी अलग फील्ड होगी। सो इस तरीके से निकालना है। और मैं अब कैलकुलेट क्या करना चाहता हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये मेरे को इससे कैपेसिटेंस निकालना है। सो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कुछ मैं एजम्पशन लेना चाहता हूँ, तो लेट क्यू और लेट सिग्मा, यहाँ सिग्मा मान लेता हूँ, लेट सिग्मा ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो दिस इज चार्ज डेंसिटी, और ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट हो गई, एरिया ऑफ प्लेट हो गई है ना। अब मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सो किसी भी प्लेट की एरिया जैसे प्लस है और इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ई माइनस भी आ जाएगा, ई माइनस की भी किसकी इक्वल हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारे पास कोई प्लेट है उस प्लेट में केवल और केवल एक तरफ चार्ज है, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ केवल चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होगी।
सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गई, ई प्लस प्लस ई माइनस, और आप वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये बहुत आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ लिए होंगे, ये मैं डिराइव उराइव नहीं करा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ मैं, तो किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। केवल एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, केवल एक प्लेट की, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तब तो किसके इक्वल होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट के बाद। निगेटिव प्लेट की फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव प्लेट की फील्ड की डायरेक्शन किधर से होगी, प्लस से माइनस, और निगेटिव प्लेट की फील्ड की डायरेक्शन निगेटिव प्लेट की तरफ होगी। सही तरीके से हम दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, सो वी इज इक्वल टू ई डी के इक्वल होगा। सो ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो वी इज इक्वल टू ई डी, ये कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, डी के इक्वल हो गया। सिग्मा के यदि आप वैल्यू लिखना चाहें तो सिग्मा कितना होता है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, सो क्यू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल हो गया। क्यों ऐसा लिख दिया मैंने, क्योंकि जो सिग्मा है वो चार्ज डिवाइड बाई एरिया है, तो सिग्मा लिख, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सो ये तो क्यू है, और वी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वो तो कैंसिल हो गई होगा। अब आप जब सी की वैल्यू लेंगे सो एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला गया, तो किसके इक्वल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सो ए क्या चीज़ है, ए इज़ द एरिया एंड डी इज़ द डिस्टेंस, सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। सी इज़ नाइदर डिपेंडिंग ऑन चार्ज नॉर इट इज डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल। सो सी किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। सो सी का मतलब हुआ, सी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स। सो यदि आप उनकी ज्योमेट्री चेंज करेंगे सो तो सी बदल जाएगा। सी इज नाइदर डिपेंडिंग ऑन चार्ज नॉर इट इज डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल, आ गया। फिर से एक बार मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ। सो व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट का, आप ध्यान रखिए कैपेसिटेंस कंडक्टर का है, इंसुलेटर्स का नहीं है। सो हम जो ले रहे हैं वो कंडक्टर्स ले रहे हैं। सो हमारे पास कंडक्टर का मतलब मेटल, सो मेटल ये आगे चल करके मैग्नेटिक मेटल्स वगैरह हम भी पढ़ाएंगे। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ, केवल इधर की तरफ चार्ज होगा, इधर की तरफ चार्ज नहीं आएगा। यदि इनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो पूरा का पूरा चार्ज इनके फेसिंग सरफेस पर ही होगा। ये इसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। और दो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। सो दिस इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई किसके इक्वल है, ई प्लस और ई माइनस के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हमने दो दिया, सो ई इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लिया, ए एरिया ऑफ प्लेट मान लिया, तो ई प्लस कितना हो गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ई माइनस भी कितना हो गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सो ई आ गया ई प्लस प्लस ई माइनस, जब इनको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो है, बिटवीन प्लेट्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिया। इसके बाद मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, सो वी इज इक्वल टू कितना लगा दिया, ई डी, ये आप पढ़ लिए होंगे, इसके लिए आपको जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दिया गया होगा। मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे आप पढ़े होंगे। और यदि वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड बी जो है वो ई इंटू डी के इक्वल अपने आप आ जाएगी, है ना। ये आप एक बार इलस्ट्रेट करके देख लीजिए, समझ करके, भूल गया है तो नोट्स पढ़ लीजिए,
बुक्स रीफर कर लीजिए, लेकिन हर छोटी छोटी फंडामेंटल बात को समझिए आप। शुरू शुरू में पढ़ने में टाइम लगाइए। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें चार चैप्टर्स में बहुत मेहनत पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही कर लीजिए, कैपेसिटर सही सीख जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यदि आप सीख जाते हैं, इसके बाद आपका सीधे एप्लीकेशन से बाकी कोई चीज़ें नहीं है। तो यहाँ तक अपने को टाइम लगेगा और टाइम दे करके पढ़िए। सो वी इज इक्वल टू ई डी आ गया, फिर मैंने ई की वैल्यू दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब देखो सिग्मा की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। हम लोग जो है चार्ज डेंसिटी तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस में है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम चूंकि कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज आएगा, वॉल्यूम में तो आएगा नहीं, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा है और उसको क्या लिख दिया है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सो वी इज इक्वल टू आ गया कितना, क्यू बाई ए डी एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने सी का हमें फार्मूला पता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सो क्यू लिख दिया और वी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया, ए ऊपर चला गया, सी इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो प्लेट के बीच में हमने कोई मीडियम फिल नहीं किया है, आप देखिए मैंने किया वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। यदि यहाँ पर कोई मीडियम फिल किया होता तो मुझको यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने वैल्यू बताया है, यहाँ पर प्लेट के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, बस ठीक है। ये आपका ये हो गया, इस पर अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे और इसके बाद फिर हम इनके कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे।